भाई अपना शेर और घोड़ा, भाई तीनों रेडी यार, शेर और घोड़े को ना भाई बिल्कुल साथ ही खड़ा कर दिया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो आज की व्लॉग की स्टार्टिंग मैं गोल्डन पाम से कर रहा हूँ। सो आज आपको न्यू थीम देखने को मिलेगी, पर्पल थीम, डार्क ब्लू थीम, कुछ भी कह सकते हैं आप। सो अभी तो फ़िलहाल काम कार्य प्रगति पर है। सो फिलहाल अभी तो काम लग रहा है, चल रहा है, और मैटिंग वगैरह सारी चीज़ नहीं आई हुई है। तो उसके बाद फ़िलहाल अभी हॉल की भी करनी है। सबसे पहले हम दिखा दें आपको पंडाल। सो ये रहा आज का पंडाल, और ठीक सामने रहा भाई स्टेज। सो एक बार प्लान था कि हम इसको ओपन रखें, लेकिन भाई रात का प्रोग्राम है तो ठंडों के दिन हम इसको ऊपर से कवर कर दे रहे, और पूरा बंद पंडाल रहेगा, कोई ओपन नहीं रहेगा ऊपर से। और भाई मुझे थोड़ी दूर से शूट करना पड़ा कि सब कुछ पूरा कवर में आ जाए। भाई इसको पहले भिगा दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पे लगने वाले हैं भाई फ्लो फ्लावर्स। तो ये रहेगी हमारी गैलरी एंट्रेंस यहाँ से। चलते पहले अंदर देख के आते हैं भाई कितना काम बचा है। अभी तो काफ़ी काम बचा, देखो अभी ऐसा लग रहा है। सो ये रही पार्किंग। तो सारे के लोग जब भी लोग वहाँ से, मेन गेट है वहाँ से लोग आएंगे इधर पार्किंग, और ये रहेगा मेन गेट। सो फ्रंट सबसे पहले गेट ये पड़ेगा, ये यहाँ से गैलरी पड़ेगी, फिर एक गेट अंदर पड़ेगा, उसके बाद सीधे पंडाल में एंटर। सो अभी थोड़ी देर है भाई, अभी तो सुबह के भाई 10 बज रहे हैं, और अभी ये नज़ारा है। मतलब कुछ ही 2-4 घंटे के अंदर भाई इस बैंक्वेट हॉल का नक्शा बदलने वाला है। और इस गली में ना भाई कहीं फ्लावर्स तो नहीं आए अभी, इतने सारे पत्ते लगने वाले हैं भाई, ये दिख रहे हैं, ये सब एक गैलरी में लगने वाले हैं। सो भाई ये रहा भाई आज गोल्डन पाम का नक्शा ही बदल डाला भाई, जैसा कपड़ा ऊपर का वैसी थीम नीचे की, मैट भी बिल्कुल है। सो भाई पूरी फुल पर्पल थीम, सो शेर भी आ गया है। तो अभी भाई इसे एक सेंटर पे सेट कर देंगे एक जगह, और खाने का फूड काउंटर्स पूरे उधर लगा दिए हैं, स्नैक्स चाट इधर डाल दिए हैं भाई। और ठीक सामने भाई अभी बन रहा है स्टेज, तो स्टेज की तरफ चलते हैं, एक राउंड दिखाते हैं। शेर का मुंह खुला हुआ है, अटैक ना कर लें। ओ चेक वन। सो भाई ये देखो, ये रहा आज का अपर पार्ट। सो आज इसे पूरा कंप्लीट कवर कर दिया ऊपर से, वरना ऑल टाइम हमारा खुला रहता था, ओपन रहता था, साइड वॉलिंग वगैरह कर देते थे। तो आज थोड़ी डिमांड थी कि भाई इसे कवर कर दिया जाए। सो भाई ये वाला एरिया ना बहुत सुंदर आ रहा है, बहुत अच्छा। और ये रहा भाई स्टेज। सो भाई अभी तो इसमें फूल का काम चालू चल रहा है, और ये रहा भाई लाइव बैंड चलेगा इधर। सो अभी टीम लगी हुई है ठीक स्टेज के जस्ट बगल में ही दे रखा है, और ये अभी इसमें लगेगा भाई, हाफ ड्रेस डाल देंगे ठीक सामने। ओ हो सर, भाई साउंड के ऑपरेटिंग भाई यहाँ से होने वाली है। सो ये रहेगा भाई यहाँ पे कंसोल। एक चीज़ और भाई, कि आज ना भाई पूरे ग्राउंड में मैटिंग कर दी गई है। आपने बहुत बार मेरे ब्लॉग्स में देखा होगा कि हर चीज़ हमेशा डिज़ाइन अलग अलग रहती है। सो आज पूरे ग्राउंड में मैटिंग कर दी गई है। ये रहा भाई स्क्वायर टेबल्स वगैरह लग चुकी है, और भाई ठीक सामने लग रहा भाई बार काउंटर। सो इधर रहेगा भाई भाई ये है आइसक्रीम पार्लर। सो फिलहाल अभी आपको मोटा मोटा ऐसे ही दिखा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद सब सारे चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। भी देखो पूरा सामान फैला हुआ है, अंधेरा भी होने वाला है ऊपर को देख लो, कुछ ही देर है अंधेरा होने में, और कुछ ही देर है हमारे पास सारा काम निपटाने में। मतलब बोले तो हमें कुछ ही देर में पूरा फाइनल देना है, क्योंकि भाई अभी थोड़ी ही देर में गेस्ट लोग भी आ ही जाएंगे यहाँ पर। तो भाई हमारे पास सिर्फ 40 से ज़्यादा 1 घंटा बचा, 1 घंटे में फाइनल। सो फाइनली भाई लाइट्स ऑन होने का समय हो चुका है, तो थोड़ी थोड़ी सी लाइट्स ऑन कर दी है भाई, अब फटाफट सेटअप कर देते हैं तैयार, उसके बाद सारी लाइट्स ऑन करके दिखाएंगे भाई, क्योंकि मैं यहाँ से इसलिए व्लॉग ले रहा हूँ ना, यहाँ से भाई पूरा फील, पूरा ग्राउंड प्रॉपर आ रहा है भाई। सो भाई जो फ्लावर की डेकोरेशन हो रही थी ना, फ्लावर्स के बंचेस वगैरह बन रहे थे, वो इधर बैक साइड में बन रहे थे, कि भाई अब ये बाहर अंदर गैलरी में लगेंगे, लग गए हैं, बाकी अब ये टेबल्स वगैरह में लगने हैं, बाकी तो सामान जा चुका है। तो ये भी दिखा रहा हूँ कि भाई ये होती कहाँ है तैयारी, इन चीज़ की होती तैयारी का। तो फाइनली फाइनल टच देने का टाइम आ चुका है, धीरे धीरे हमने सारी लाइट्स ऑन भी कर दी है, और भाई अब फटाफट सामान से मिटा देते हैं। इसके बाद भाई ग्रूम एंड ब्राइड का सोफ़ा भी रख देंगे यहाँ पे, फिलहाल हल्के से फ्लावर्स वगैरह लगाने हैं बस। यहाँ पे चल रही है भाई साउंड टेस्टिंग, अभी सारे म्यूजिशियन वगैरह सब आ चुके हैं, लाइट टेस्टिंग भी चल रही है, और इनके सबसे पहले साउंड सेट करना पड़ता है, तो सबसे पहले उसकी टेस्टिंग कर देते हैं। सो अभी लाइट के अभी एड्रेसिंग पड़ चुकी हैं, तो अभी लाइट की प्रोग्रामिंग बन रही है। और भाई कॉकटेल विस्की स्टेशन लिखा हुआ है, अभी विस्की स्टेशन। भाई ये है स्नैक्स काउंटर, और ठीक सामने भाई आइसक्रीम पार्लर।
सो फाइनली भाई पावर काउंटर की एलईडी बॉल भी जला दी है। तो ये रहा भाई पावर काउंटर जो प्रॉपर अब पूरा फुल रेडी हो चुका है, बस गेस्टों का इंतजार है इसके लिए, ये फाइनल हो चुका है। और इधर स्ट्रेस की लाइट्स वगैरह भी सब फाइनल हो चुकी है, बस हल्का सा इनका लाइफ बैंड बचा हुआ है। और भाई चले इधर को, तो भाई बाहर से लोग कोई भी अपनी वाइन वगैरह लेके इधर स्टैंडिंग खड़े हो गए भाई, आराम से ले सकते हैं। और भाई सोफ़ा सीटिंग वगैरह ये रही हमारी, जो सब स्टेज में रहेंगे। ये भाई मुझे थोड़ी सी हाइट में आना पड़ेगा, मुझे लग रहा है स्टेज में जाके मुझे ब्लॉक। भाई अपना शेर और घोड़ा भाई तीनों रेडी यार, शेर और घोड़े को ना भाई बिल्कुल साथ ही खड़ा कर दिया, लग भी दोनों साथ में सही रहे। तो थोड़ा सा भाई ब्राइट कलर अभी आ नहीं रहा है। तो ये रहा भाई अपने शेर, और इन घोड़े को तो आप रोज़ देखते रहते होंगे हमारे ब्लॉग में, तो इनके अच्छा आगे से फ्लावर का डेकोरेशन भी कर दिया है। तो फाइनली भाई यहाँ का सेटअप फुल रेडी हो चुका है। तो भैया लोग अभी थोड़ी सफाई कर ले रहे हैं, क्योंकि भाई फ्लावर्स में जब काम हो रहा था तो थोड़ा सामान फैल गया था, तो भाई इतना तो इन्होंने हटा ही दिया। उसके बाद चलेंगे लास्ट में गैलरी में और फुल अच्छे से लेंगे प्रॉपर। बस अभी गैलरी में भी बचा हुआ है, देखो गैलरी फ्लावर से पूरी भर दी गई है भाई। आज ना गैलरी में भाई अलग ही मज़ा आने वाला है। सो भैया लोग टीम लगी हुई है बड़ा फट फटाफट करने में। सो अपनी फ्लावर्स टीम, ओ भाई ये देखो, तो चलते हैं अभी बाहर। तो भाई अब फटाफट थोड़ी ही देर में भाई गेस्ट वालों को आए, गेस्टों का इंतज़ार है भाई आने का। तो फाइनल हो चुका है हमारा, चलते हैं भाई अंदर की ओर। तो फाइनली सारा काम फाइनल हो चुका है। सो भाई आज आपको गैलरी ना भाई फूलों से पूरी भरी हुई दिखाती जाएगी दिखेगी। और भाई ये देखो फ्लावर्स, ये है भाई अपर पार्ट, और भाई ये पूरे सर में लग रहे हैं भाई, ऐसा लग रहा ना कि बच बच के जाए, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है, हर एक चीज़ प्रॉपर मस्त मज़ा आ रहा है भाई गैलरी में चलने में। ये पूरी फूलों से भरी हुई है भाई, ये रजनीगंधा गुलाब हर एक चीज़ से भाई इसे डेकोरेट कर दिया गया है। तो चलते हैं भाई अभी अंदर की ओर। और भाई एक पार्ट हमारा एंट्री का ही रहता है, तो इसको पूरा मिला दिया गया है आज। और एक घोड़ा भाई इधर खड़ा कर दिया अपना, ये सो भाई। और अंदर हमने थोड़ी यार लाइट को ना थोड़ा लाइट रखा है, मतलब ज़्यादा उजाला नहीं, क्योंकि भाई कलर ही अपना शेड है। सो फाइनली ये बन चुका है हमारा स्टेज। सो भाई आज का थोड़ा सा स्टेज का सेटअप चेंज है, तो चलते हैं भाई स्टेज में चढ़ के, तो ऊपर से पूरा व्लॉग लेंगे और यहाँ से पूरा पंडाल कवर हो जाएगा। सो भाई ये रहा भाई हमारा आज का पंडाल। सो भाई देख लिए सभी लोग अपने शूट पे लगे हुए हैं, कैमरामैन अपने कैमरे रेडी कर रहे हैं। सो हम तो भाई यहाँ से पूरा सबको कुछ कैप्चर कर रहे हैं, बार काउंटर उधर लगा है, इधर खाने का सेटअप इधर लगा हुआ है, और ये रही भाई सीटिंग भाई, जैसे टेंट वैसे सोफे और वैसे मैट, हर एक चीज़ प्रॉपर मिलेगी आपको। हमारे राउंड टेबल्स वगैरह भी सब रेडी हो गई हैं। देखो आज फ्लावर पॉट्स में अलग ही डिज़ाइन से लगाए गए हैं, ये एक अलग ही सेटअप दिख रहा होगा आपको, ये हर एक चीज़ अलग अलग तरीके से लगाई गई है। और भाई ये हमारा फ्रूट काउंटर, जो इसका भी सेटअप रेडी हो चुका है भाई, अब धीरे धीरे करके भाई गेस्ट भी आने लग गए। तो फाइनली भाई फ्रूट काउंटर का सेटअप लग चुका है, वो भाई बर्फ़ में ये सारी चीज़ें लग गई हैं। और भैया लोग सर्व कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ दिखा देते हैं भाई, जब गेस्ट आ जाते हैं ना भाई ब्लॉग करने में बहुत दिक्कत हो जाती है, क्योंकि हर एक चीज़ प्रॉपर नहीं दिखा पाता हूँ। जूस वगैरह सारी चीज़ सब होने लग गई है अब भाई, धीरे धीरे करके सब गेस्ट लोग आने लग गए। सो भाई अपना स्नैक्स वगैरह चालू हो चुका है फिलहाल अभी, उसके बाद चलेगा भाई सीधे लाइव बैंड। तो भाई ये लगे हैं सारे चाइनीज़ आइटम खाने के भाई, अटरम सटरम चीज़ें, जो कि भाई मेरे को इनमें तो कुछ भी चीज़ नहीं खानी है ये। सो फाइनली भाई पूरा ग्राउंड भर चुका है, सारे गेस्ट आ चुके हैं भाई, और यहाँ खाना वाना भी चालू हो चुका है। बाकी भाई ग्रूम एंड ब्राइड का इंतज़ार है स्टेज पे आने के लिए।